कांग्रेस की हुकूमत का एक की एक सोच थी कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जाना चाहिए। जब भी हम वो टाइम में हम कांग्रेस के साथ थे, किरण कुमार रेड्डी साहब को जाके हम बोले हैं कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुसलमानों के मसले और मसाइल को नहीं जानता, और जितने भी उसके अंदर ऑफिसर्स है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और जो भी सीनियर ऑफिसर्स है वो तमाम गैर कौम हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, तो मेहरबानी करके आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मत रखिए, उसको एक अलग सेक्शन ही बना के रखिए। तो उसी के बाद जब हम को किरण कुमार रेड्डी साहब बोले हाँ वो अलग ही रहेगा, हम उसका चेयरमैन डालने वाले हैं, और उससे बेहतर हम एक काम करें हैं कि हम एक माइनॉरिटी कमिश्नरेट डाल रहे हैं और उसके अंदर आबिद रसूल खान को उसका कमिश्नर बना रहे हैं। तो इसी बात को हम आगे भी लेके चलेंगे और आने वाली हुकूमत, क्योंकि जब गुफ्तगू कर रहे थे वो वक्त पे आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, आज तेलंगाना बन चुका है, और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आएंगी उसको हम बराबर एक ही बात रखेंगे कि आप मेहरबानी करके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक अलग विंगिच रखिए और उसको बेहतर फंड आप दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा पसमंदा हालत में है, गरीबी इसमें सबसे ज़्यादा, अगर से कोई आज गरीब है एससी एसटी और बीसी से ज़्यादा, आपको इसकी मिसाल रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चार कमेटी ये दे चुकी है, प्रधानमंत्री को मालूम भी है ये तमाम चीज़। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहना, उसका एक चेयरमैन रहना और उसको एक सपोर्टिंग एक तगड़ा बजट होना। नामपल्ली में कांग्रेस और एमआईएम की एक अंडरस्टैंडिंग हुई और ये अंडरस्टैंडिंग को हैदराबादी लैंग्वेज में चोर अलायंस बोलते हैं। ये चोर अलायंस में फिरोज खान को बलि का बकरा बनाया गया, एमआईएम कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल के रखी और ये बोलते रही कि नामपल्ली के हलके से हमारे को एक डमी कैंडिडेट होना और फिरोज खान नहीं होना, और किसी भी शक्ल पे हमें फिरोज खान कबूल नहीं है। मेरा जो गॉडफादर है चिरंजीवी, वो दिल्ली में बैठ के बहुत ट्राई करा दिग्विजय सिंह के पास, अहमद पटेल के पास, तो दिग्विजय सिंह भी ये बात बता रहे थे कि एमआईएम के साथ एक अंदर अलायंस हुआ है और वो एक सीट और उनके 7 सीट की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल इक्वेशन में फिरोज खान को हमारे को कुर्बान करना पड़ेगा। तो ये तमाम एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में नामपल्ली की टिकट एक डमी कैंडिडेट को दी गई और फिरोज खान को, अगर से आप फसादात की बात करेंगे तो जितने फसादात कांग्रेस की हुकूमत में हुए, बीजेपी की आप हुकूमत लगाएंगे तो एक 4-5 फसादात ही छुए, मगर आप 1947 से आज़ादी से लगाएंगे तो एक 5000 फसादात कांग्रेस के टाइम पे हुए। तो फसादात ज़्यादा होना और फसादात करवाना ये कांग्रेस का काम है, बीजेपी का अभी फसाद कराई नहीं और इंशाल्लाह कराएंगे नहीं। और रही बात, हम तो ये तवक्को रखते कि अमन और शांति हो, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो फसादाताओं पे भरोसा करते। मैं कांग्रेस में क्यों टिकट नहीं दिए मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में मेरा रुख टीआरएस केसीआर के पास गया। मैं केसीआर बोले अरे क्या बेहतरीन आप वर्कर है, क्या काम करते, अरे आप पूरे नामपल्ली को पानी पिलाते, एक साल का पानी का खर्चा आपका 1 करोड़ रुपये है, आप तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में बैग्स और बुक्स देते, आप फीस कई बच्चों की देते, दवा का इंतज़ाम करते, आप हॉस्पिटलों में से आप डिस्काउंट दिलवाते, कंप्यूटर्स सीने के मशीन बांटते आप, अरे क्या बेहतरीन वर्कर है आप। चुनाव आप 2009 में हारे, मरा 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पूरे तेलंगाना के अंदर ऐसा वर्कर नहीं रहेगा, आ जाइए हम आपको नामपल्ली दे देते। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के पास आप चले गए, उसके बाद तीसरा क्या हुआ ये भी सुनिए। वहाँ से हमारा रुख जगनमोहन रेड्डी के पास गए हम। जगनमोहन रेड्डी हमारे कॉलेज के दोस्त है, प्रगति कॉलेज में पढ़े हमारे, वहाँ से उनकी दोस्ती है। इतवार का दिन 7 अप्रैल 8 बजे हम उनके घर को गए और जाके बोले भाई कांग्रेस हमारे को टिकट नहीं दी, टीआरएस हमारे को टिकट नहीं दी,
आप एक सेक्युलर पार्टी है, हमारे को नामपल्ली दे दीजिए। तो मुस्कुरा के जगनमोहन रेड्डी बोलते, आंध्र और रायलसीमा में वो अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी MIM से, जो अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस की तेलंगाना में हो गई, वही अंडरस्टैंडिंग हमारी आंध्र रायलसीमा में हो गई। तो बात समझ में आया, वारे वाह MIM, यहाँ पे कांग्रेस से तेलंगाना में चोर अलायंस कर लिए और हमारा पत्ता काट दिए, वहाँ पे जगन से आंध्र और रायलसीमा में कर लिए चोर अलायंस, यहाँ भी पत्ता काट रहे। जगनमोहन रेड्डी क्लियरली बोलते, नामपल्ली छोड़ के आप सिकंदराबाद MP पूछो, मैं आपको दे देता हूँ। 4 लाख मुसलमान है, आप तगड़े मुसलमान हैं, आप वहाँ जाइए, आपको मुर्शिदाबाद हो रहा मैं दे देता हूँ, नामपल्ली मत पूछिए। तो मैं बोला शुक्रिया जगन साहब। तो जगन साहब के लफ्ज़ थे, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, 3 टाइम बोले। बोला नहीं, आप एक सल्तनत चलाते, आप मजबूर है, हम आपको मजबूर नहीं करते। उसके बाद आए हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के वैसा तैयारी करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमारा PA जो मुनीर है, उनको भेजाए। वहाँ पे पता चला कि पहले से एक फिरोज खान नॉमिनेशन डाल के है, मेरा नामकारी एक फिरोज खान नॉमिनेशन डाल के है। फिर 4 घंटे के बाद पता चलता कि और एक फिरोज खान, एक पहला फिरोज खान अहमदनगर का है, दूसरा फिरोज खान आगापुरे का है। तो ये फिरोज खानों को पैदा कर दिए, क्योंकि कल के दिन मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाना तो वहाँ पे 2 फिरोज खान, ये तीसरा फिरोज खान, और पब्लिक कंफ्यूज में रहना कि असली फिरोज खान का। तो ये पूरे काम, इसके अंदर ये पूरी जो भी आप जिबिक्स बोलो, जो भी ये चोर अंदाज, 15 दिन मैं मेरा लिफाफा पकड़ के, मेरा प्रोफाइल पकड़ के हर किसी के दर पे जा रहा हूँ। हर कोई बोल रहा आपके वैसा वर्कर हैदराबाद में नहीं है, मगर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं मेरे अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मैं नामपल्ली के मुस्तकबिल के लिए, मेरे गरीब भाई और बहन के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े के लिए आधी रात को मैं काम करता हूँ, अपना पसीना और खून जला के मैं काम करा, जो भी काम करा अल्लाह की हिदायत पे काम करा, अल्लाह के राह में काम करा, क्या दिन दिखा रहा मेरे अल्लाह तू। और उसी के बाद मैं घर को आया, मेरी पूरी कोर टीम, मेरे वेल विशर्स को बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूँ। इमीडिएटली पूरे बोले, चंद्रबाबू नायडू के पास जाओ, आप BJP को बाजुक रखो, चंद्रबाबू नायडू एक है जो असदुद्दीन ओवैसी और MIM को सुनता नहीं, आपके पूरे दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खुला हुआ है। जब आपको आवाम के लिए करने की कैफियत है आप में, लूटने का जज्बा है आप में, और हर किसी का काम करके आप दिल जीते, आप चंद्रबाबू के पास जाओ, चंद्रबाबू आपको टिकट देता, उसके बाद आवाम में के पास जाओ, बीच में ठहर के बोलो, आपके भाई के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके दोस्त के साथ इतनी नाइंसाफी ये करे। जब आवाम पलट के बोलेंगी, तब बेचारा फिरोज खान, हमारे फिरोज खान को देख के हम वोट डालते। और ऐसी छुआ, मैं नॉमिनेशन डाल के आया, 1000 फोन आए मेरे को और बोले, फिरोज भाई हम ना BJP देख रहे, ना हम TDP देख रहे, सिर्फ फिरोज खान को देख रहे। ये अल्लाह का करिश्मा है, क्योंकि अल्लाह दिलों को फेर देते। और ये छुआ, MIM में बैठ के ये अंदाजा नहीं लगा सकी थी कि मैं TDP में जाऊंगा। दूसरे मुसलमानों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी, उसके लिए तेलुगु देशम का साथ छोड़ दिए। फिरोज खान को, नामपल्ली के मुस्तकबिल को सवारने के लिए चंद्रबाबू नायडू क्या अपनी जान भी दाव पे लगाने के लिए फिरोज खान तैयार है। देखिए 2009 16 मई को हम चुनाव हारे थे, 17 मई से हम काम कर रहे हैं 2009, आज को 5 साल हो गए, 5 साल से हम काम कर रहे हैं। और पूरी नामपल्ली के आवाम को हमारा काम क्या है उसे वो वाकिफ है। अब जो लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस का हो, TRS का हो, MIM का हो, ये लोगों का काम है अब कंडवे डाल लेके, झंडे ले लेके पब्लिक में फिरना,
और पब्लिक को भी हर चीज़ का इलम है, तो ये पब्लिक समझ गई। ये 5 साल से गायब थे, टिकट ले लेके 1 महीने 20 दिन से जोकरों के वैसा फिर रही, तो पब्लिक डिसाइड कर ली फिरोज खान को वोट डालेंगे। पदयात्रा में जाना है तो जाऊंगा, जलसे तो बराबर दूंगा, क्योंकि हाल और हकीकत बताना है, दूध और पानी को एक जगह से निकालना है, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे। रही बात पदयात्रा है, हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर से हमारी आवाम बोली, हमारे वेलफिशर्स बोले, हमारे TDP के सीनियर, हमारे डिवीजन के लीडर्स बोले, नहीं फिरोज भाई आप आना, आपका तो चेहरा सब जानते हैं, आपके कामों से सब वाकिफ है, मगर आप TDP के झंडे पे के नीचे आज तक लोग आपको नहीं देखे, अगर से ऐसी कोई बात है तो बराबर 24 घंटे पहले से पब्लिक में थे, आज भी पब्लिक में है, कल भी पब्लिक में रहेंगे, हार जीत के तस्वीर अल्लाह करते, जीते तो भी पब्लिक का काम करेंगे, हारे तो भी पब्लिक का काम करेंगे, सांस जब तक है पब्लिक के है, जान जब तक है नामपल्ली के है, हमारे को रोकना है तो मार डालो, वरना सामने वालों को हरा के छोड़ देते। आवाम से क्या अपील करेंगे आप? आवाम से एक ही अपील है, आवाम को हर चीज़ का इलम है, आवाम हर चीज़ जानती, आवाम एक ईमानदार खायद को लाइए, नामपल्ली को 30 साल से पूरे मिलके लूटे, हर एक MLA आया, कॉपरेटर आया, मेयर आया, MP आया, हर कोई नामपल्ली को लूटे, आज नामपल्ली बेवा है, आज नामपल्ली यतीम है, आज नामपल्ली अंधेरे में है, आपके हाथों में है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए और एक ईमानदार MLA को लाइए, अगर से वो ईमानदारी फिरोज खान में दिख रही तो फिरोज खान को डालिए। आप समझते कि तेलुगुदेशम में डेवलपमेंट होता, चंद्रबाबू नायडू है जो हैदराबाद का नक्शा बदल दिया, चंद्रबाबू नायडू है जो हैदराबाद को सारी दुनिया में मशहूर करा, आप समझते कि चंद्रबाबू नायडू डेवलपमेंट, फिरोज खान डेवलपमेंट, फिरोज खान एक ईमानदार कायद है, तो आप मेरे को डालिए, वरना मेहरबानी करके मेरे से कोई एक अच्छा है तो उसको डालिए। फिरोज खान को जीत की फिक्र नहीं है, फिरोज खान को नामपल्ली के मुस्तकबिल की फिक्र है, मेहरबानी करके लोगों के बातों में मत आइए, जज्बाती स्पीचों में मत आइए, जात पात को मत देखिए, आपका तो आप फ्यूचर नहीं देखे, मेहरबानी करके अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए, आप लोगों को डैमेज हुआ मगर आपके बच्चों को डैमेज मत हो लीजिए, मेहरबानी करके नामपल्ली का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, कोई एक ईमानदार को लाइए, ईमानदार MLA आएगा तो ईमानदार कॉपरेटर आएंगे, ईमानदार कॉपरेटर आएंगे तो ईमानदार वर्कर आएगा, मेहरबानी करके आपके हाथ में है तस्वीर, अल्लाह के वास्ते आपके बच्चों का फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए मेहरबानी करके काम करिए। मैं पूरे मेरे भाई और बहनों से गुजारिश करता हूं कि 10 साल से मैं नामपल्ली को रात और दिन सर पे कफन बांध के जितना भी मैं कमाता हूं उसका 80%, अगर से मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 80 रुपए मैं नामपल्ली पे खर्चा करता हूं, क्यों? मेरे एक वालिद है 70 पे 5 साल के, मेरे वालदा है 70 साल के, एक बेटी है, बीवी है, एक छोटा भाई है अभी बेरोजगार है, 2 खालायां हैं, 1 फुप्पू है बेवा है, और एक 25 घर का खर्चा जिम्मेदारी लिया, उसके लिए वो 20 रुपए लिख जाता हूं। आज तक दौलत को मेरी घर की जीनत नहीं बनाया, सर पे कफन बन के 4 महीने के अंदर मेरे 2 लोगों को मार दिए, अवेश का कत्ल कर दिए लंगर हाउस में, रजाक का कत्ल कर दिए मल्लापल्ली में, और बहुत चीज ये सोच रही, पर सर पे कफन बांध के सिर्फ नामपल्ली के मुस्तकबिल को सवारने के लिए मैं निकला हूं, अल्लाह की राह में निकला हूं। आपसे पूरा से गुजारिश है, मेरी कोशिश को कामयाब बनाइए, आप जब तक मेरे हक में दुआ नहीं करेंगे मैं नहीं जीतूंगा, आप मेरे हक में दुआ करिए, मेरे लिए वोट डालिए और लोगों के बातों में मेहरबानी करके मत जाइए, एक टाइम मेरे को चांस दीजिए, आप 5 साल के अंदर 25 साल का काम कर देता हूं, लूट लिए ये नामपल्ली को, अंधेरे में ला दिए मैं रोशनी दे दूंगा,
इसको एक डस्टबिन बना दिए, मैं इसको एक बाग बना दूंगा। एक टाइम चांस दीजिए, अगर से मैं नहीं कर सका तो नेक्स्ट टाइम कोई भी चैनल के सामने आऊंगा नहीं और नामपल्ली वालों को मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके में एक टाइम मेरे को आप आजमाइए, मैं नामपल्ली को बदलना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।